उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले ने अब धूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा है कि उन्हें जेट श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं खिलाफ दादरी में एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश जयंत पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब की दुकानें खोली, जो ये सिद्ध करता है कि लाभ के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। गोवा में आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने गोवा की राजधानी पणजी में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ने इतने सालों में जनता के लिए काम किया होता तो उनके जैसे आदमी को राजनीति में आने की जरूरत ही ना पड़ती। महाराष्ट्र में पुणे के यरवदा शास्त्री नगर इलाके में बीती रात एक निर्माणाधीन इमारत का स्टील का ढांचा ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि टमाटर, प्याज और आलू की उपज की कीमतों में उतार चढ़ाव मौसम परिस्थितियों समेत अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। दक्षिण मुंबई सीजीएसटी के अधिकारियों ने फर्जी फर्मों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इन फर्मों ने बुलियन के लगभग 1650 करोड़ रुपए कीमत के फर्जी इनवाइस और 49.7 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी किया था। गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर राजपथ में निकाली गई झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था। इसके अलावा पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी पहले स्थान पर रही। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच सीआईएसएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में शुक्रवार को एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत ने सिर्फ एक महीने के अंदर 65% किशोरों को कोरोना वैक्सीन का पहला खुराक दे दिया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए पीएम मोदी 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के 4 जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के नाम शामिल हैं। ये सभी रैलियां वर्चुअली आयोजित की जाएंगी। बता दें कि उत्तराखंड में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।